आपने कभी पिंजड़े में बंधे हुए किसी पक्षी या पशु को देखा है? बाहर निकलने के लिए जो फड़फड़ाते हैं, नहीं निकल सकते, ये तो लगता है नहीं निकल सकते, फिर भी क्यों प्रयास करते? आपको यदि बाहर से बंद कर दिया जाए तो दरवाज़ा टूटने वाला भी नहीं हो, तो भी धक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे? बाहर को भी नहीं, जब दो चार बार कर लिया फिर देख लिया नहीं टूटना है, उसके बाद भी प्रयास करते हैं कि टूट जाए, जो भी हो नहीं टूटेगा ऐसा कहा कि बैठ क्यों नहीं जाते? आपका दरवाज़ा क्या है? धक्का मार रहे हैं या छोड़ दिया? क्या लगता है आपको, छोड़ के बैठ गए हैं या धक्का मार रहे हैं? नहीं, मार रहे हैं या छोड़ दिया है मारने को? कभी कोई किनारा या खिड़की से बाहर कभी दिखता है? निकल जाएंगे, कभी दिखता है? नहीं, बाहर कुछ प्रकाश सा निकल के वहाँ जाएंगे। चलो, नहीं बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, वहाँ मैदान कुछ वो दिखता है कभी? जहाँ जाना है निकल करके, दीवार के पार कुछ दिखना भी तो चाहिए ना, कहाँ जाएंगे तोड़ के? उसके बिना तो होगा नहीं प्रयास। ऐसा कुछ कभी दिखाई देता है या नहीं दिखता? तो स्थिति यही है कि बाहर कोई छिद्र अभी नहीं दिखता, दिख गया तो बैठे नहीं रहेंगे, हाथ पैर मारना बहुत तेजी से हो जाएगा। अब वो अंधकार की पट्टी है अपने सामने, बाहर नहीं दिखना है। बाहर दिखने का अर्थ है कभी अपने स्वरूप का बोध हो जाना, मेरा स्वरूप ये है, ईश्वर की कभी अनुभूति हो जाना, ऐसा है इसका स्वरूप, लग जाना निश्चयात्मा। यहाँ पर विवशता दिखना कि नहीं संसार में नहीं रहना है, इससे निकलना ही होगा, ऐसी कोई अनुभूति, ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई निश्चयात्मक ज्ञान उभरना, यही उसका छिद्र है। ऐसा यदि नहीं होता है तो विशेष अभी प्रवृत्ति नहीं होगी। अभी तो ऐसे ही हुआ जैसे कुएं में धक्का मारते हैं ऊपर निकलने के लिए, कभी कुएं में गिरे क्या? कुएं में नहीं कूदे, उसमें ऊपर निकलने के कुछ होता है क्या? कड़ी को छोड़ दो तो नहीं, वो वाला कुआं नहीं, बड़ा वाला। हाँ, बड़े कुएं की बात है। हमारे तरफ तो पानी ऊपर आ जाता है, तो निकल जाते हैं ना फिर, ऐसा है जिसमें नहीं निकल पाए। 50 रख लो, 10 ही रख लो, जिसमें जैसे ऊपर चढ़ने का करते हैं ना पानी में, उल्टे डूब जाते हैं, पहले तो ऊपर होया ही नहीं जाता है हाथ, और कर भी लेंगे तो
डूब जाते हैं फिर ऐसे कुएं में, उसमें निकलने की कोई संभावना नहीं होती है। होता है इस कुआं तो ऐसे ही होता है, और कैसा होता है। नहीं, कुओं में वो होती है ना लोहे की, तो कड़ी लगी रहती है चढ़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए। बाकी में तो नहीं रहता है, पानी रहता है वो। तैरने वालों को तो कोई खतरा नहीं होता है खैर, और निकलने का तो होता ही, लेकिन फिर भी वैसे निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते उसमें। ऊपर कोई बल ही नहीं लगता है, निकलेंगे कैसे उसे। संसार की स्थिति ठीक वैसी जैसे कोई किसी कुएं में गिर गया हो, वो बल भी नहीं लगा सकता अधिक। गाय भी गिर जाती। हाँ, वो बल नहीं, वो ऐसे करते रहेंगे ना केवल। वही है ना, वो बल ही उसमें नहीं लगाया जा सकता है, उत्साह ही गिर जाता है। जाएंगे कहाँ, ऊपर जा ही नहीं सकते। लोक में जो स्थिति होती है यही होती है, बाहर निकलने की रास्ते नहीं दिखते। वो दीवार क्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए, ये वाली दीवार दिख रही है ना अभी, इसका जो ऊपर रंग दिख रहा है, ये आपको कितना मोटा पतला दिख रहा है, पतला दिख रहा है या मोटा दिख रहा है, है? ये जो दीवार की सफेदी दिख रही है, वो दीवार जितनी ही दिख रही है, थोड़ी दिख रही है, जो दिख रहा है वो बोलना। दीवार ही दिखती है ना, इतनी सफेद सी मोटी दीवार है ये। हाँ, ये जैसे अब ये देखो छत की दिख रही है, बिंब ये है ना, ये बिंब कैसा सफेद दिख रहा है ना, तो इतना मोटा सफ़ेद दिख रहा है या अलग से दिख रहा है, पूरा ही होगा ना सफ़ेद ही इतना मोटा। ये जैसे पट्टी है लगी हुई है शौचालय की है ये, तो ये पूरी जितनी मोटी पट्टी वो सफ़ेद ही दिखती है या अंदर कुछ और दिखती है, सफ़ेद नहीं है ऐसा दिखता है, नहीं दिखता है ना, पूरा मोटा ही लग रहा है ना ये, पर ये मोटा है क्या, इसकी सफ़ेदी कितनी मोटी है, गिनती भी नहीं कितनी मोटी होगी, नहीं लगती है ये मोटी है इतनी, नहीं सफ़ेदी की मोटाई दिखती है। ये काला सा डंडा इसका दिखता है, ये इतना मोटा काला है ये, पर इतना कालीमा इसकी इतनी मोटी है क्या, ऐसे सभी जगह कहीं भी देख लो। बाहर जो रूप दिख रहा है वस्तु का, वो पूरे का दिखता है, लेकिन केवल ऊपर ऊपर है वो, ऐसे जो भी है आकृति है किसी की, जो बाहर से केवल दिखती है, अंदर वैसे बिल्कुल नहीं है वो। शरीर जो दिख रहा है बाहर से, भीतर से वैसा है क्या, ये भीतर से देखने योग्य भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ तो नहीं दिखाई देती है। तत्त्वतः जैसा है जो भी पदार्थ,
वैसा नहीं दिखता है, जैसा नहीं है वैसा ही दिखता है। तो सभी पदार्थों में अपनी बुद्धि जो है ऐसे ही है, ये तत्वज्ञान की स्थिति नहीं है। ऐसे ही रूप के विषय में, रस के विषय में, गंध के विषय में, स्पर्श के विषय में, सुख के विषय में, दुख के विषय में, हम पूरे वस्तु को ही तद्रूप मानते हैं। लाल है तो पूरी वस्तु ही लाल है वो, जबकि उसमें सारे रंग होते हैं। एक फूल के अंदर कितने सारे रंग होते हैं। कोई पत्ता है ऊपर से हरा लगता है, अंदर नहीं होता है हरा, सूखते सूखते इसके सात रंग वापस आ जाते हैं, उड़ते उड़ते इसकी परतें उड़ती जाती है, रंग बदलते जाते हैं इसके। ऊपर से हरी होती है, अंदर से दूसरी करेंगे तो काली पीली निकलेगी, फिर चमड़ी सी छिल जाती है इसकी। ऐसे कोई पेड़ है, पौधा है, जो भी है, अब कोई पेड़ भी दिखता है तो सारा का सारा हरा दिखता है, इतना लंबा चौड़ा पेड़ है और सब हरा है, जबकि उसकी हरियाली कभी होती है क्या? पूरी कभी नहीं होती है हरियाली, उसका चौथाई भी नहीं होती है, लेकिन पूरा पेड़ दिखता है छाते की तरह से। इतना बड़ा छाता देखो कितना बड़ा दिखता है, और वो कितना सा होता है, थोड़ा सा ही होता है उतना दिखता है, इतनी बड़ी वस्तु है कुछ। तो पूरे संसार के पदार्थों के विषय में ऐसे ही अपनी दृष्टि है, वो यथार्थ दृष्टि नहीं है। उसकी किसी गुण विशेष का जो ज्ञान हो रहा है उसका पूरे में आरोपण किया हुआ है, एक ही गुण का आरोप हो गया है। अब हलवा है, पूरा हलवा मीठा तो होता नहीं है, उसमें मिठास कितनी होती है, एक किलो हलवे में कितनी चीनी होती है, 10 ग्राम 20 100 ग्राम होगा अधिकतम, उस 100 ग्राम में भी मिठास कितना होता होगा, उसमें भी दूसरे भी तो होते होंगे ना, वो स्वाद चीनी खट्टी चीज़ भी तो लगती है, केवल मीठी तो नहीं लगती है, कड़वी सी होती है, कुछ और भी स्वाद होते हैं उसमें, उसका भी भाग होता होगा। लेकिन पूरा हलवा, एक किलो हलवा, एक पूरी थाली, पूरी पूरी मीठी ही दिखती है वो, कभी कभी तो भूल से मीठा मिठाई मीठा होता भी नहीं है और मान लेते हैं ये तो मीठा ही होगा, बाद में पता चलता है अरे इसमें तो है ही नहीं। तो हाँ धोखा, और मान लेते हैं खूब मीठी होगी, अच्छा चखने के बाद, पहले तो लग रही होगी, चावल हो गया, चावल हो गया, लेकिन पहले क्या हुआ, पहले तो लग रही थी ना। तो ऐसे ही जितने, जबकि है नहीं, वो होता नहीं है अर्थ, लेकिन सभी किसी के बारे में आप देख लिए सब जगह ऐसे ही मिलेगा, उसका जो वास्तविक स्वरूप है वैसा नहीं है जैसा हमको लग रहा है, जैसा मान के हम प्रयोग कर रहे हैं चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है वैसा। तो अब ये है कि इससे ये कभी खटकता नहीं है, कपड़े के जैसे रंग एकदम से उड़ जाते हैं पुराने होने के बाद, वो पहनने में भारी लगने लगता है कि नहीं, एक आज साफ करते हैं कल ही लगने लगता है कि गंदा हो गया,
नए तो दो तीन दिन खिंच भी जाता है, लेकिन पुराना जो हो जाए वो अगले दिन ही लगने लगता है, क्या हो गया, अब वो पहनने में भारी लगने लगता है। और जब उसकी चमक बनी थी तो अपना खींच रहे थे उसको, तो ऐसी कैसी क्या है, पूरा का पूरा यहाँ संसार जो है, जो भी इसका स्वरूप है हमारे सामने कुछ और ही आता है, वो वास्तविक स्वरूप इसका नहीं आ रहा है। लेकिन हम इससे निकलने के लिए, यानी उस वास्तविक स्वरूप की जिज्ञासा नहीं हो रही है, यही है क्या, ये नहीं है, या ऐसा क्यों दिखता है, ये है तो नहीं है, ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही है। ये जिज्ञासा अगर उत्पन्न हो रही है तो समझो हाथ पैर मार रहे हैं निकलने के लिए, हाँ, यानी कि पिंजरे से निकलने का मतलब हुआ हाथ पैर मारना, ऐसी जिज्ञासा उठ जाना, आखिर ये विषय जब है नहीं तो लग क्यों रहे हैं। लेकिन हम ऐसे ही है ये निश्चिंत होकर के मान के चल रहे हैं, इसके जो भीतर स्वरूप है, जो स्वरूप भेद है, उसकी हम अपेक्षा ही नहीं बुद्धि में कर रहे हैं, ऐसा है ये तो फिर लग क्यों रहा है ऐसा। लेकिन वो हमारे लिए कोई प्रतिकूल दिख ही नहीं रहा है, तो ये जो नहीं दिखना है, ये हाथ पैर ना चलाने वाली है, ऐसे निराश होकर बैठ जाना है, यानी अंधेरे कुएं में गिरे रहने की स्थिति है ये। अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं तो फिर कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल कहाँ जाएंगे, अब कोई चारा ही नहीं है। तो ऐसे ही है कि अब ये खटकता ही नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जिसको भोग रहे हैं, वो नहीं है वस्तु तत्व, लेकिन फिर भी निश्चिंत हैं कि यही तो होता है, ऐसे ही होना, ऐसे ही चलना, ऐसे ही खाना पीना जो भी है इसके साथ ही चलना है बस, इससे भिन्न कोई स्थिति होगी या होनी चाहिए या हमको उसमें जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा नहीं उभरती है। तो पहली बात तो ये है कि हम कुएं में गिरे हुए से हैं, अगर इसमें संशय हो जाए तो समझो कोई छिद्र दिख गया, बाहर की स्थिति दिख गई, अब इससे बाहर निकलने का प्रयास हो सकता है। शरीर है, अगर अनित्य दिख गया, कभी कभी कोई रोग बीमारी एकदम अचानक उभरता है तब लगता है क्या हो गया, अब टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उस दिन समझो इसकी खिड़की खुल रही है, कोई दरवाज़ा नहीं फूटा कुछ, हाँ छिद्र आया सामने, उस समय अब नहीं लगता है ये रहेगा, उल्टा लगता है अब तो जाना है इसको, वो इसकी वास्तविक स्थिति है, इसकी अनित्यता का दिख जाना इसकी वास्तविक स्थिति है। वो यदि दिख रहा है तो समझो निकलने की रहेगी इच्छा, फिर इसको साथ पकड़ने की रखने की नहीं होगी प्रवृत्ति। मलिन दिख गया, अगर ये मलिन है, सुंदर ही दिखता रहता है, मलिनता अगर इसमें नहीं दिखाई देती है तो वो अंधकार का ही भाग है, वो मलिनता का इसमें दिख जाना ये खिड़की खुलना है इसका। वो यदि दिखा तो रहने की इच्छा नहीं होगी इस। ऐसे ही इन बाह्य पदार्थों में भी दुख की स्थिति अगर है, इसमें अगर कोई दुख दिख जाता है तो समझो कि फिर इसके साथ रहने वाली स्थिति नहीं बनेगी। जिसमें भी दुख दिख जाता है हमको, उसको या तो दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं या हटने के लिए हो जाते हैं, हटा नहीं सकते तो स्वयं हटने की प्रवृत्ति हो जाती है, और हटा सकते हैं तो पहले उसको हटाने की ही हो जाती है,
किसी भी दुखद वस्तु के साथ हम समझौता नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन संसार में दुख होते रहते हैं, लुटते पिटते रहते हैं, यहाँ सब होता रहता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा संकल्प नहीं लेते हैं कि नहीं रहना है संसार में। इससे दुख हुआ तो उसके पास चला जाएंगे, यहाँ नहीं अच्छा लगा तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ नहीं लगा तो वहाँ चले जाएंगे, ऐसे हम विकल्प ढूंढते रहते हैं। जैसे वो वही पक्षी होता है ना, पंजा मारता है, एक में मारता है, फिर दूसरे में मारता है, फिर तीसरे में मारता है, एक में ही नहीं मारता है, वो अलग अलग मुँह मारता रहता है, निकलता नहीं है वो, लेकिन वो बदलता रहता है। ऐसे यहाँ पर भी एक प्रतिकूल हमको दिख जाता है तो हम ये मानते हैं कि केवल यही प्रतिकूल है, दूसरा प्रतिकूल नहीं होगा, जबकि उसमें भी प्रतिकूलता रहती है। समय आने पर, काल भेद होने पर उसमें भी वही प्रतिकूलता प्रकट हो जाएगी, उतना ही दुखद वो भी हो जाता है, लेकिन पहले नहीं लगता है। जिसके साथ अभी हम हैं, पहले ये भी नहीं लगता था, नहीं हुए थे साथ तो लगता था ये तो ठीक है, लेकिन जब रहने लगे तब लगा कि ये नहीं ठीक है। ऐसे ही दूसरे के पास, जिसके पास जाएंगे, अभी नहीं गए, लगेगा कि वो ठीक है, लेकिन जाने के बाद वो भी ऐसे हो जाएगा। चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे स्थान है, चाहे कुछ भी है, यहाँ के समस्त पदार्थ समान स्वभाव के ही हैं, सभी में दोष है। आत्मा के सारे प्रतिकूल ही हैं, कोई भी अनुकूल नहीं है, लेकिन एक साथ उनकी अनुकूलता जाती नहीं है, प्रतिकूलता सामने आती नहीं, इसलिए जितना सामने आता है वर्तमान में जितना होता है उतने को पूरा मान लेता है। अनुकूलता सामने आई तो आगे पीछे पूरा मिला लेता है कि ये पूरा होगा उनको, प्रतिकूलता आ गई तो पूरे को मान लेता है, पूरे ऐसे ही है, धैर्य नहीं रहता है, फिर उसकी परीक्षा करने की स्थिति नहीं रहती है, सहन नहीं होता है, फिर वो पूरे पूरे को एक जैसा ही मान लेता, जबकि वो पूरा नहीं है, वो न खराब है पूरा न अच्छा है, दोनों मिले जुले से ही हैं, लेकिन इतना विवेक नहीं काम करता है। एक पक्षीय बुद्धि रहती है, या तो विवेक में रहेगी या तो अविवेक में रहेगी, उसके पूरे गुणों का हम निर्धारण नहीं कर पाते, इतने हैं इसमें तो चलो ऐसा ही होगा, किसी भी एक की प्रधानता बना लेते हैं। ये जो स्थिति है, ये सारी की सारी अज्ञान की स्थिति है, अंधकार की ही स्थिति है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम स्थिर भी नहीं रह पाते हैं, ये मान भी रहे हैं कि ये ऐसा है, लेकिन फिर भी ठुक ठुक करते रहते हैं उसको, यानी बदलते रहते हैं, प्रयास तो बदलने का करते रहते हैं ना, व्यक्ति है, वस्तु है, नए नए से मिलने का तो करते ही रहते हैं, स्थान है, वस्तु है, जो भी बदलने का प्रयास करते रहते हैं, बदल नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी के साथ संतुष्टि भी नहीं होती है। वस्त्र पात्र जो भी ले लो, ये मिल गया तो बस अब नहीं चाहिए, चलो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अवसर की ताक में रहते हैं, जितना भी हाथ में है उसके बदले में और पाने की या उसमें परिवर्तन संशोधन की अवस्था अवसर बना करके चलते हैं। स्थिरता भी नहीं होती, यानी शांति की स्थिति नहीं होती है उसमें, इसलिए
इससे बचने का भी एक तरह से करते रहते हैं। वही क्या है फिर इसमें मुंह मारने वाली स्थिति, धक्का, ये जैसे धक्का देता रहता है पक्षी या जो जानवर हैं, बांध देते हैं भैंस को या किसी को तो खूंटे में बंधी रहती है लेकिन चक्कर लगाती रहती है, छूटती तो है नहीं, खुल भी नहीं सकती है, वो पूरी चक्कर लगा लेती है लेकिन फिर भी खड़ी नहीं हो सकती, वो घूमती रहेगी। बैल है जो भी है छूट भी नहीं सकता वो, लेकिन वो खड़ा भी नहीं रह सकता, चक्कर लगाता रहता है निकल जाए निकल जाए। तो सूक्ष्म रूप से हम चक्कर भी लगाते ही रहते हैं, निकलने का अर्थात इससे छूटने का बचने का प्रयास भी सूक्ष्म रूप से रहता है, लेकिन फिर क्या है वो निर्णायक नहीं होता है, निर्णीत नहीं होता है, केवल एक देश से बचने के लिए दूसरे देश की अपेक्षा करते रहते हैं, पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि ये अगर है बाद यानी दोष सदोष है तो अब इसको हाथ लगाना ही नहीं है, बस ऐसी प्रवृत्ति या इच्छा नहीं बन पाती है। शरीर नहीं चाहिए, जीवन नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, कोई देश विशेष स्थान वस्तु यान साधन इनके बारे में एकदम से पक्का निर्णय नहीं होता है, कुछ नहीं चाहिए बस। वैकल्पिक स्थितियां यहाँ बना के चलते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि पूरी स्थिरता भी नहीं आती है, पूरा किसी पर विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन उसको हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे चलते हैं फिर पीछे हो जाते हैं, दो कदम चलते हैं और डेढ़ कदम फिर पीछे आ जाते हैं, फिर एक कदम चलते हैं फिर आधा पीछे आ जाते हैं, फिर तीन चलते हैं फिर दो आ जाते हैं, ऐसे थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसी स्थितियां चलती रहती है। यहाँ के पदार्थों से तंग भी होते रहते हैं और फिर खुश भी हो प्रसन्न भी होते रहते हैं। तो ये जो अवस्था है एक के साथ ही प्रसन्न हो जाना और फिर दुखी हो जाना एक में ही, यही क्या है मूल अवस्था है। ये इस अवस्था में नहीं निकल सकते कभी, इससे एक निर्णय होना चाहिए, या तो ठीक है तो ठीक है भाई, और यदि नहीं ठीक है तो नहीं ठीक रहना चाहिए, ऐसा निर्णय आना चाहिए इसमें। तो जिस दिन ये वाला निर्णय हो जाएगा, वास्तविक स्वरूप इसका यही है कि नहीं है ठीक, अनुकूल ये नहीं है, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता प्रतिकूलता ही होती है, अनुकूलता नहीं होती है, लेकिन यहाँ हम प्रतिकूलता को प्रधानता नहीं देते, अनुकूलता को प्रधानता देते हैं, आशा रहती रखते हैं ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ये तो मानते नहीं हैं लेकिन बिगड़ा है पर हो जाएगा ठीक। लौकिक पदार्थों के विषय में हमारी बुद्धि जो रहती है भावना वो रहती है कि आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगा, यानी कि इस यही ठीक होगा। तो ऐसी स्थिति यदि हमारी बनी रहेगी तो हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और वो ठीक वैसी स्थिति है जैसे कोई पिंजरे में पक्षी है, उसको बोलते हैं पिंजरे का पक्षी, गाना सुना होगा तेरा मर्म न जाने, वो मर्म क्या है यही मर्म है। यहाँ जो हम टक्कर मार रहे हैं इन चीज़ों में, अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल, उसी को लेते हैं उसी को छोड़ते हैं, उसी को पकड़ते हैं उसी को छोड़ते हैं, यही इस जीवात्मा का मर्म है। अंदर ही अंदर हम दुखी होते रहते हैं लेकिन बाहर भी नहीं निकल सकते, ना किसी को कह सकते, यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है,
किसको सुनाएंगे, सारे की एक ही स्थिति है, जो सुन सकता है उसको सुना नहीं पाते हैं, उसको मानते ही नहीं है कि सुनने वाला कोई है। तो जैसे वो पक्षी फड़फड़ाता रहता है पिंजरे में, वो निकल नहीं सकता है। हमारी भी स्थिति अगर हम लोग को स्वीकार किए हुए हैं तो वही वाली है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि वो एक आता है उपनिषद में आएगा, वो उसमें कहा है कि तुम पिंजरे को लेकर के उड़ जाओ, और कोई उपाय नहीं है इसका। यानी पक्षी के पास जो फंस गया है ना, जाल में या पिंजरे में फंस गया है, उसमें सामर्थ्य इतनी है कि वो उड़ा के ले जा सकता है उसको, लेकिन वो बेचारा वो हो गया है, निराश हो गया है, फड़फड़ा करके बैठ गया है। उसको कह रहा है वैसे तो तुम निकलोगे नहीं यहाँ से, बस इसको लेके उड़ जाओ, यही तुम्हारे लिए, दूसरी जगह जाके खोल लेना, यहाँ तो खुलेगा नहीं। वो पंचतंत्र में कहानी आती है ना, कबूतर फंस गए सारे, तो अब वो फड़फड़ाने लगे वहीं पर, और इतने में था कि बहेलिया बिल्कुल पास में है, तो उसको चूहे या किसने फिर बताया कि पहले यहाँ से उड़ो, इसको लेकर के दूसरी जगह ले चलो, वहाँ काट देंगे हम, यहाँ तो ये पकड़ लेगा जल्दी से, इसलिए यहाँ से ले चलो दूसरी जगह, वहाँ हम काट देंगे, वहाँ कोई खतरा नहीं है, वहाँ से तो उड़ जाओ कम से कम। तो कहने का मतलब है जिस अवस्था में दुख भोग रहे हैं वहाँ से तो निकल जाओ, वहाँ से उड़ो पहले, फिर वहाँ से तो उड़ गए, हाँ अब यहाँ जाल कट जाएंगे। धीरे 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 ज्ञान विज्ञान अगर प्राप्त करते जाते हैं, योगाभ्यास करते रहते हैं, वो क्या है, लौकिक स्थिति से हट करके अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाएगा व्यक्ति, तो यहाँ उसके जाल कट जाएंगे। इस प्रकार से निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए लौकिक स्थितियों से हट के आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाना चाहिए।